नगर निगम कोटा के 126वां राष्ट्रीय दशहरा मेला अब समापन की तरफ है। हाड़ौती के सबसे बड़े सांस्कृतिक सालाना मेले के आयोजन पर दुकानदार और कारोबार को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मेले में आए देशी और विदेशी सैलानी अपनी कलरफुल यादों को साझा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रावण दहन की धूम हो या बॉलीवुड नाइट और शायरों कवियों की महफिल, सजे धजे बाजारों की रौनक हो या बेशुमार पर्यटकों की चहल पहल, बीते एक महीने से कोटा इसी तरह गुलजार होती हर रात का गवाह बन रहा है। बड़े बड़े झूले, सर्कस, सजा धजा बाजार अब भी मेले की रंगत को बनाए हुए हैं। हालांकि हजारों सैलानियों से गुलजार ये मेला अब समापन की ओर बढ़ चला है, लेकिन इसकी रंगत और रौनक कम होने का नाम नहीं ले रही। इस मेले का हिस्सा बनने वाले लोग अपनी अपनी यादों को अपने ही अंदाज में बयां कर रहे हैं। Oh, we liked it very much. It was very special. This is the first time we attend, and it was very good. The children love it very much as well. It's very nice and colorful. We try to understand what is going on about Ravan and his son and his brother. Sorry, and what is going on? And it's really nice at Dushehra Mela. शानदार आयोजन, बहुत अच्छी आतिशबाजी, बहुत अच्छा क्राउड और शाही सवारी के साथ जो आए सब. घोड़े के साथ, हाथी के साथ, ऊंट के साथ, तो बहुत शानदार आयोजन रहा है। ये आयोजन नगर निगम के खास इंतजामों के लिए भी जाना जाएगा। हाड़ौती के सबसे बड़े सालाना सांस्कृतिक जलसे के लिए करीब 7 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया था। मेले में इस साल कच्ची पक्की मिलाकर करीब 300 दुकानें सजी थीं और यहाँ दुकान लेने के लिए स्थानीय और दूसरे जिलों के नहीं बल्कि पड़ोस के प्रदेशों तक के व्यापारियों में होड़ मची रही। मेले में कारोबार को लेकर दुकानदारों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, वहीं मेयर महेश विजय इसे बेहतरीन बता रहे हैं। दुकानदार अपना दूर दराज से अपना व्यवसाय जो साल भर का खर्चा निकालने के लिए यहां पर आता है, वो जो निश्चित रूप से निराश होकर यहां से लौट रहा है। देश में व्याप्त मंदी का असर और जो अतिवृष्टि ओलावृष्टि राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हुई है, उसका भी प्रभाव दुकानदारों को झेलना पड़ा है। 37 साल से झूले लगाता चला आ रहा हूँ, लेकिन जो ये 2-3 साल से इन्होंने व्यवस्थाएं जो बिगाड़ी हैं मेले की, हम झूले बाजार वालों का तो पूरा जो सिस्टम था पुराना, आमने सामने की जो 2 लाइनें लगा करती थी और जो मेले का उस वक्त जो स्वरूप था और जो पब्लिक का आवागमन था, उसकी तो बात ही छोड़ो, वो तो बहुत दूर चला गया मेला। इस साल करीब 35 से 40% नुकसान में है व्यापारी इस बार यहाँ कोटा दशहरे मेले में। तब 7 करोड़ का मेला रखा था, परंतु अभी हम लगभग 4 करोड़ खर्च कर पाए और उसमें भी 1.5-2 करोड़ हम अर्निंग कर पाए, तो मेले को लगभग मैं मानता हूँ 1.5 से 2 करोड़ निगम को लगा है, जो ज़्यादा नहीं है। मेले में और अधिक खर्च की आवश्यकता मैं मानता हूँ। रियासत काल से कोटा में लगते आ रहे दशहरा मेले को मैसूर दशहरा मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा दशहरा मेला माना जाता है। खास बात यह है कि जिस मैदान में ये मेला लगता है, उस मैदान को अब दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा।